भंडारा जिले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से केंद्र सरकार और ईडी के विरोध में निषेध आंदोलन करके जिलाधिकारी को निवेदन सौंपा गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भंडारा की तरफ से बड़ी तादाद में केंद्र सरकार और ईडी के विरोध में रास्ते पर पदाधिकारियों कार्यकर्ता उतरकर विश्रांति गृह से जिलाधिकारी कार्यालय तक नारे लगा के प्रदर्शन किए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता धनंजय दलाल ने पत्रकारों से बातचीत में आगे तीव्र आंदोलन की बात की। क्योंकि जो भी अभी भारतीय जनता पार्टी के या नरेंद्र मोदी इनके खिलाफ बोलना चाहता है उसके ऊपर ईडी की कार्रवाई होती है। ये लोकशाही नहीं, ये हुकुमशाही चालू है, ऐसा मेरे को यहाँ पे कहना पड़ रहा है। और देखिए, कल पहट को 5 बजे बिना नोटिस हमारे नेता राष्ट्रीय प्रवक्ता नवाब मलिक इनके घर जाके उनको जो अरेस्ट किया है, ये बराबर उचित बात नहीं है। उनको एटलीस्ट कोई नोटिस दे के उनका एक्सप्लेनेशन पूछना चाहिए था, उनके ऊपर कौन से चार्जेस है वो बताना चाहिए था। लेकिन ऐसा ना करते डायरेक्ट उनको उठा लिए, ये तो बहुत गलत बात है। लेकिन एक लिस्ट जारी हुआ है जिसमें 17 लोग और हैं, शिवसेना है, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है। देखिए, मोदी सरकार का ये प्रयास है कि जो भी मंत्री जो भी नेता अभी इनके विरोध में बोलेगा वो सब हिट लिस्ट में है ईडी के, और ईडी के थ्रू सबको तकलीफ देना चालू है। लेकिन सरकार, ये जो महाविकास आघाड़ी की सरकार है, ये महाराष्ट्र में मजबूत सरकार है, इसको कैसा तो भी अस्थिर करना ये उनका उद्देश्य है। तो सरकार तो आपका है, आपके द्वारा, ऐसे नहीं है कि बीजेपी पार्टी में या और भी कोई पार्टी में करप्शन ना हो, तो आपके सरकार के द्वारा तो किसी के ऊपर कुछ होता नहीं है। नहीं, हमारे सेंट्रल से ही होता है। ये जो ईडी का डिपार्टमेंट है, केंद्र सरकार का डिपार्टमेंट। आपके पास भी एजेंसी है ना? नहीं, हमारे पास एजेंसी है, हम कायदे से चलेंगे, नियम से चलेंगे, इनके समान अतिशयोक्ति नहीं करेंगे। और जो भी करना है कायदे से करिए ना, यानी आपको जिसने आपके विरोध में बोला उसको दबाने के लिए आप ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं। उस लिस्ट में यहाँ तक बताया गया कि प्रफुल्ल पटेल भी, उनका संपर्क उनसे था। हो गया, जो जो यहाँ नेता है राष्ट्रवादी के वो सब उनके दायरे में हैं, और सबको तकलीफ देने का काम अभी केंद्र सरकार करने वाली है। वो आगे आपके क्या है? नहीं, हम रास्ते पे आएंगे, उसका निषेध करेंगे, उनका जो भी प्रतिकार करने का है वो प्रतिकार हम करेंगे। भंडारा से NBCN न्यूज़ के लिए सुरेंद्र चिंधालोरे की रिपोर्ट।